नमस्ते सलाम एंड वेलकम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैंने ना सस्पेंस छोड़ रखा है। अगर आप जब इस ब्लॉग को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि ये एकदम इंटरेस्टिंग आने वाला है। और अगर आपको पता करना है कि मैं कैसे आ पाया, तो इसके लिए मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो बने रहो, बताता हूँ क्या हुआ था। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या कर सकते हो, तो पूरा एंड देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सिनेरियो हुआ। ओके, तो दोस्तों जस्ट मैंने ये बिस्किट लिया, तो मुझे कितने का पता है, इंडिया में तो 10 रुपए का मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिला है 45 रुपीज का। सो दिस इज चस्का मस्का फॉर 45 रुपीज में, आप देख सकते हो। जिंदगी थी कितनी अजीब है ना, जो काम लड़का कभी खुद से करता नहीं था एवरीथिंग इसकी मॉम करती थी, आज जो काम लड़का सब कुछ कर रहा है। मतलब पता है क्या, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कभी कभी आपको अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ता है और अपने काम खुद करने पड़ते हैं। सो आई एम वेरी सरप्राइजिंग टू कि यार मम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया है कि यार तू अपने लाइफ में अकेले कभी पड़ जाएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा। सो ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस काम आ रहा है आज, एंड थैंक गॉड टू ऑल ऑफ यू यार कि तुम लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू मम्मा, थैंक यू वाइफ, थैंक यू दीदी, दे आर दी माई सपोर्ट सिस्टम एंड बहुत कुछ है। केरला पराठा, मैं जस्ट वही पराठे लेके आ रहा हूँ। घर पे अंडा भुर्जी बनाना है और आज अंडा भुर्जी खाना है और पराठे खाना है। सो बता, गेस करो कितने का मिला होगा। तो यहाँ पे सेम रेट है, 12 रुपया। तो फिर मैंने ले लिया अपने लिए 3 पराठे और दोस्त के लिए 2 पराठे। ये देखो गाड़ी, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी है। यहाँ पे आपको सारी गाड़ी 4x4 की मिलेंगी, GMC वेरी बिग गाड़ी, सब गाड़ी देख लियो 4x4 की मिलने वाली है आपको गाड़ी। सिम कार्ड का दुकान और खतरनाक बिल्डिंग है। ये बसेस है जो चिल्ड्रेन जाने वाले हैं। देखो कुछ टाइम पहले कैसा था, अभी देखो बिल्डिंग खड़ा हो गई। मतलब बहुत फास्ट यहाँ पे काम होता है भाई साहब। तो कभी ऐसे महसूस हुआ कि आप जा रहे हो और आपको कभी लो फील हुआ है, तो उस समय आप लोग क्या करते हो? अगर आप ऐसा डीमोटिवेट हो जाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आई वांट टू रीड दैट कमेंट की और मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखूँ अगर मैं कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाऊँ। तो मुझे बताना आप लोग। और मैं वॉक कर रहा हूँ इसलिए मेरा थोड़ा, मैंने मास्क भी लगा रखा है, मेरा थोड़ा सांस को लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फाइनली अपना अकोमोडेशन यहाँ पे आ गया है, दिस इज दी आर बिल्डिंग और अकोमोडेशन। अब जाते हैं अपने अकोमोडेशन में, फिर मचाएंगे जिंदगी एक दफर है दुआना, कल क्या हो किसने जाना। तो आपको एक चीज और दिखा दूं, मैं इस अकोमोडेशन पे क्या आने वाला है बता दूं, क्या क्या आने वाला है इस अकोमोडेशन पे। एक चीज नया आने वाला है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, जिम सेटअप, समझ रहे हो, मेरे अकोमोडेशन पे जिम सेटअप आने वाला है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलो आ जाओ क्लोज आके देखते कि क्या। बहुत खुश है। चलो भाई ये भी आ जाती है, जल्दी आटे पे जाना है, फटाक से अंडा मुर्गी बनाना है और खाना एंजॉय करना है और मम्मी की वीडियो को एडिट करना है, पोस्ट भी करना है। और लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया, मजा आया। तो फाइनली रूम नंबर 23 में मुझे जाना है, ये कपड़े यहाँ पे गाय बिजी है। A few moments later. मेरा मॉर्निंग हो चुका है, आज सोचा हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ आप लोगों के साथ में, सो दैट आप भी मुझे देख के इंस्पायर होकर करेंगे। सो इट मैच चेंजेस है क्या, मैं तो चलो चलते हैं, करते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज, जो कि गुड फॉर मी ऑल्सो एंड गुड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। अभी करने को है नहीं कुछ काम, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय एक्सरसाइज राइट नाउ विद यू गाइस, तो बने रहिए वीडियो।
तो भाई साहब ये है अपना लच्छा पराठा और अंडा भुर्जी। मैंने अपने लिए लिया है ये लबान, लबान इन द सेंस इसको अरेबिक वर्ड दिया हुआ है लबान, कहते हैं हिंदी में छाछ और बटर मिल्क क्या बोल दो आप। मैंने इसे पीने के लिए इज गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो, एंड कल से बहुत ज़्यादा हमने मसाला खाया है तो सोचा कि मैं आज नॉर्मल से स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द गोइंग ऑन एंड और मैंने अपने लिए कट किया है ग्रीन एप्पल एज यू कैन सी इन द वीडियो, तो इट्स गुड फॉर रियली इज गुड, कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है इसलिए खा ले रहे हैं। इसके बाद तो हम रेड एप्पल ही खाएंगे, ग्रीन एप्पल क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होता है। कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ मम्मा की वीडियो को एडिट करने के लिए, तब तक ये मेरा फिनिश करता हूँ मैं फटाफट। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अभी तक ना धूप भी कुछ भी नहीं आई थी, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं आई थी, ऐसा लग रहा था कि कोहरा मचने वाला है, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ और अचानक मेरी खिड़की में इतनी सारी धूप आने लगी। आपको दिखाता हूं और मैंने फटाफट से क्या किया, अपने कपड़े जो सूखे नहीं थे सुखाने डाल दिए। चलो चलो दिखाता हूं आप लोगों को धूप किस तरह एकदम कड़क धूप, यहाँ तक कि यहाँ पे ऐसा धूप आता है कि अगर आप एक अंडा भी फोड़ दोगे ना तो यहाँ पे ऑमलेट बन जाएगा, इस तरह का धूप आता है। ओह माय गॉड, दिस इज मेरा बेड, दोस्त का बेड। ये लोग दोनों गए हैं मेडिकल के लिए और यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे, देख रो कहाँ भाई, यहाँ पे हमने कपड़े सुखा रखे हैं अपने, तो कपड़े अभी सूख रहे हैं। अब नज़ारा देखो जाम शानदार वाला, फंटास्टिक नज़ारा है, फंटास्टिक। कार से आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। ये अपना गंगाराम भाई देख रहा है, ये देखो नजारा देखो, वाव। अभी धूप निकला है तो थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो मैकडोनल्ड दिखा, मैकडोनल्ड ये मैकडोनल्ड, भाई लोग सो रहे थे। वापस अपने कमरे में आ गया वाला है, फिश फ्राई घर पे है तो यहाँ पे पब्लिक देखने के लिए कितना है क्या नहीं है, तो जा रहे हैं निकलते। फाइनली यहाँ पे मच्छी बन के रेडी हो गई है। सलीम भाई मच्छी टेस्ट करे हो, बताया कैसे है? अच्छी लगी मेरे को राजा रानी मच्छी, 3 साल बाद खा रहा हूँ और आपने ऐसा बनाया मेरे को अपने घर की याद आ गई। अरे वाह मच्छी अच्छी बनी है, थैंक यू सचिन भाई। मैं कब से सोच रहा कि यार तुम लोगों के साथ में एक बात शेयर करूं, बट ना मतलब शेयर करने के लिए सोच रहा था और कर नहीं पा रहा था क्योंकि रूम में कोई ना कोई होता था, तो इसके समय ना अनकॉन्फिडेंस हो जाता था, तो अभी कॉन्फिडेंस भर गया क्योंकि रूम में मैं ही अकेला हूँ और कैमरे से मैं ही बात कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहा है आपको बता दूँ, क्योंकि बात ये करना था कि मुझे ना कुवैत में आना इम्पॉसिबल हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, बताओ क्यों नहीं आ पाऊँगा और कैसे आ गया, मतलब क्या सिनेरियो में शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ओह माय गॉड, दिस इज मेरा बेड, दोस्त का बेड। ये लोग दोनों गए हैं मेडिकल के लिए और यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे, देख लो भाई, यहाँ पे हमने कपड़े सुखा रखे अपने, तो कपड़े अभी सूख रहे हैं। अब नज़ारा देखो जाम शानदार वाला, फंटास्टिक नज़ारा है, फंटास्टिक। गंगाराम भाई देख रहे, ये देखो नजारा देखो, वाव। अभी धूप निकला है तो थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो मैकडोनल्ड दिखा, मैकडोनल्ड ये मैकडोनल्ड,
तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अभी तक धूप भी कुछ भी नहीं आई थी, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं आई थी, ऐसा लग रहा था कि कोहरा मचने वाला है। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ और अचानक मेरी खिड़की में इतनी सारी धूप आने लगी, आपको दिखाता हूं। और मैंने फटाफट से क्या किया, अपने कपड़े जो सूखे नहीं थे सुखाने डाल दिए। चलो दिखाता हूं आप लोगों को धूप किस तरह एकदम कड़क धूप, यहाँ तक कि यहाँ पे ऐसा धूप आता है कि अगर आप एक अंडा भी फोड़ दोगे ना तो यहाँ पे ऑमलेट बन जाएगा, इस तरह का धूप आता है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, पहली बात मेरे साथ में क्या हुआ सिनारियो सुन लो। मेडिकल कराने गया था ना गमका मेडिकल इंडिया में, गमका सेंटर पर, वहां पर है ना मेरे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ गया था। तो उन्होंने कहा था कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, आपको 10 दिन के लिए दवा लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में हम ट्राई करेंगे, अगर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता तो आपको जाने मिलेगा। तो मैं बोला ओह माय गॉड यार, मैं नहीं जा पाऊंगा कुछ। चलो ऐसे तैसे करके उन्होंने 10 दिन का मेडिसिन दिया, मैंने मेडिसिन खाया, फिर उसके बाद में कॉल करके गया गमका सेंटर पे और पूछा, तो फाइनली मेरा है ना मतलब मेडिकल फिट आया तो मैं जा पाया, अदरवाइज मैं लग रहा था कि नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद सुनो ये वाला मेन स्टोरी, ये सिनारियो क्या है, ये सिनारियो है कि जब मेरा ऑलमोस्ट समझ लो मेरी आज रात को 9 बजे फ्लाइट है, हाँ क्या समान लो आप लोग, मान लो मेरी आज रात को 9 बजे फ्लाइट है, मुझे एक दिन पहले मतलब 72 आवर्स को मुझे RT-PCR टेस्ट कराने का था और मैंने ना एक दिन पहले सुबह 12 बजे RT-PCR टेस्ट कराया, मतलब जिस दिन मुझे जाना है 12 बजे मुझे दोपहर के मतलब मेरा रिपोर्ट मिलता है और उसमें क्या आता है पता है, आई एम डिफेक्टेड, मतलब मेरे उस रात को मेरे थॉट में प्रॉब्लम, थोड़ा बुखार था, सर्दी था, आई एम डिफेक्टेड, ओ माई गॉड आई एम डिफेक्टेड, अब मैं क्या करूँ। बस आई यूज्ड टू क्राइंग सो मच कि मेरा इतने पैसे खर्चे हो गए हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या होगा, आई गॉट डिफेक्टेड, एयरपोर्ट पे घुसने नहीं देंगे और जो जिस जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है वो पूरा चेक करता है बाकायदा, इम्यून ऐप, रोनी कैब और आपको टिकट, वो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो पूरा चेक करता है यार। और आई वॉज लाइक मैं मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब मैं क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा जब मैं डिफेक्टेड आ गया, क्या समझ में नहीं आ रहा था। कमेंट करके बताना मुझे किसके आगे आपको जानना है, क्या हुआ होगा मेरे साथ में, मैं कैसे पहुंचा, मेरा रिपोर्ट क्या हुआ, मतलब कैसे क्या सिनारियो हुआ, अगर ये सब आपको जानना है ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या चीज अलाउ है, क्या क्या चीज नहीं अलाउ है और क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या कैरी करना है यहाँ पे आने के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कुवैत में लोगों की लाइफस्टाइल क्या होती है जो इंडिया से यहाँ पर आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जो लोग आते हैं यहाँ पर वो किस प्रकार से उनकी लिविंग लाइफ है, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला रहूंगा पूरे ब्लॉग में, कितनी सैलरी है, क्या है, सब कुछ। तो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि मैं कैसे आया, मेरे लिए इम्पॉसिबल कैसे हुआ कुवैत में आने के लिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। RT-PCR जब मैंने तो आई एम डिफेक्टेड।